श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। वेलकम ऑल द डिवोटीज, वी आर डिस्कसिंग राम कथा। हम बाल कांड पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था विश्वामित्र मुनि के चरित्र के विषय में और किस प्रकार से बार बार असफल होने के बावजूद विश्वामित्र मुनि शुरुआत में, हालांकि उनकी इच्छा भगवान की भक्ति करने की नहीं थी, भगवान का शुद्ध भक्त बनने की नहीं थी, लेकिन एक डिटर्मिंड एफर्ट कर रहे थे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। कई बार उनको असफलता मिली, पहले काम के द्वारा प्रभावित होकर असफलता का मुंह देखना पड़ा, फिर क्रोध के कारण, लेकिन अंत में जब उनको ब्रह्म ऋषि का दर्जा एक तरीके से प्राप्त हुआ तो तब उनके वास्तविक चरित्र का निर्माण हुआ और तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि के, जिनसे उद्देश्य ईर्ष्या और द्वेष करते थे या जिनके कारण उन्होंने ये एक बहुत बड़ा टास्क अपने हाथ में लिया था, उनको उनका सम्मान किया, उनके चरणों को अपनी गोद में रखा, उनके चरणों का अभिषेक किया और उनसे क्षमा याचना की और उनको एहसास होने लगा वशिष्ठ मुनि की महान स्थिति के ऊपर, क्योंकि उन्होंने भगवान राम की सेवा करने के लिए, संग करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था। और इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि को भी अगर देखा जाए तो जो सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने असहाय अवस्था में पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर भगवान के नामों का उच्चारण किया था। ये कारण था विश्वामित्र मुनि के चरित्र का निर्माण होने के लिए, नहीं तो अगर शुरुआत से देखा जाए तो उनका कोई ऐसा गोल नहीं था। लेकिन उनका, और बाद में इसीलिए भगवान राम का संग पाने के लिए उन्होंने थोड़ी मेहनत भी की, इतनी दूर चल कर गए, उनके दशरथ महाराज को मनाने का प्रयास किया, क्योंकि अंत में उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति। और इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि विचार कर रहे हैं, रात हो चुकी है, मिथिला के बाहर आउटस्कर्ट्स में वह लोग विश्राम कर रहे हैं एक स्थान के ऊपर, और विश्वामित्र मुनि विचार कर रहे हैं कि अब एक कार्य शेष है, बस एक और कार्य शेष है, उसके बाद वो कार्य को पूर्ण करने के बाद मैं भगवान श्री राम को वह सब कुछ अर्पण कर दूंगा जो मैंने अर्जन किया है, जो मैंने शक्तियां प्राप्त की हैं, या मेरा जो भी एसेट है वो सब मैं भगवान राम के चरणों में अर्पण कर दूंगा। और वह कार्य जो भी विशेष रूप से क्या था उनके मन में, भगवान राम का विवाह, वह उसकी पूर्ति के बाद मैं हिमालय दिशा की तरफ चला जाऊंगा। इस प्रकार से ऐसा विचार कर रहे हैं और उधर भगवान राम भी अपने स्थान पर लेटे हुए, पत्तों की शैया के ऊपर एक तरीके से कहा जाए तो भगवान लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। भगवान राम भी चिंतन कर रहे हैं, भगवान राम एक ऐसे दृश्य का चिंतन कर रहे हैं जो उन्होंने मिथिला में प्रवेश करने के उपरांत, जब विश्वामित्र मुनि, लक्ष्मण और भगवान राम शहर का दृश्य देखने के लिए गए थे, शहर घूमने के लिए गए थे, मिथिला देखने के लिए गए थे, इतना सुंदर शहर, इतना आकर्षक शहर उन्होंने कह सकते हैं कि देखा नहीं था। वहाँ पर बहुत बड़ी 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 बिल्डिंगें थी,
वहाँ पर झंडे लहरा रहे थे, और जैसे चाइम्स होते हैं ना, चाइमिंग बेल्स, वो सब थी। अभी लोगों का क्या मानना है, चाइम्स, चाइमिंग बेल, ये चाइना से आई है, विंड चाइम्स, हवा है ना, विंड चाइम्स। लेकिन आप जब अपने कल्चर को हम अच्छे तरीके से देखेंगे, हर चीज का ओरिजिन आपको भारत में प्राप्त होगा, क्योंकि हम अपने कल्चर को पढ़ना भूल चुके हैं, इसलिए हर चीज को हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से होगा, वहां से होगा। एनीवेज, भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि ने इस सुंदर शहर में प्रवेश किया। और जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात आती है, बड़ी बड़ी इमारतों की बात आती है, स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स की बात आती है, तो ऐसा उन्होंने शहर को बीचों बीच, जो शहर का सबसे सुंदर स्थान था या सबसे सुंदर पैलेस था, वो देखा। वो राजकुमारी सीता का पैलेस था, और ऐसा लगता था वो पैलेस पूरा आकाश को छू रहा। और उस पैलेस की छत पर माता सीता या बालिका सीता, उस समय उनकी उम्र लगभग 9 या 10 वर्ष ही रही हुई थी, उस समय भगवान राम के केवल 12 वर्ष के हैं और सीता माता 9 या 10 वर्ष की हैं। और इतनी सुंदर उनको देखकर भगवान राम भी आकर्षित हो गए, उनकी तरफ देखकर। ऐसा सुंदर स्त्री का दर्शन उन्होंने आज तक भी नहीं किया था। और भगवान राम सीता की तरफ देख रहे हैं, सीता भी भगवान राम की तरफ देख रही हैं, तो दोनों की आंखें टकराई और आपस में दोनों एक दूसरे को फिर निहारने लगे। तो ये जो मुलाकात है, इस इनकारनेशन में भगवान राम और सीता की पहली इनकारनेशन है, तो सॉरी, इस इनकारनेशन में पहली मीटिंग है। और यह सब लीला शक्ति के अंदर हो रहा है, योग माया के अंदर का हो रहा है, लीला शक्ति का प्रभाव है। तो ये लीला का प्रभाव है। वास्तविक रूप में भगवान राम कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी है और सुप्रीम एनर्जेटिक है, और उसी माता सीता सुप्रीम एनर्जी है या डिवाइन पोटेंशी है। तो दोनों आपस में मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो इसको हमको मंडेन उसके भाव से नहीं देखना चाहिए, कि जिस प्रकार से एक लड़का एक लड़की को देख रहा हो, बिल्कुल अलग है, उस दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। भगवान राम ने माता सीता को देखा और पूरी तरह से ही वो चार्म अट्रैक्टेड, मेस्मराइज्ड, पूरी तरह से उनकी तरफ आकर्षित हो गए और उनकी सुंदरता से पूरी तरह से आकर्षित हो गए, अपनी आंखों को उनसे हटा भी नहीं पा रहे थे। सीता माता की सुंदरता के विषय में इतना ऐसे बताया जाता है कि जो भी उनकी सुंदरता के का एक बार दर्शन कर लेता था, वो अपनी आंखों को कोसने लगता था, कि हमारी आंखों को ये जो ब्लिंकिंग है, इससे हम जो सीता माता का दर्शन है उसे इंटरप्शन होता है। डेमी गॉड्स के विषय में बताया जाता है कि उनकी आंखों में उनकी पलकें झपकती नहीं है, तो वो भी कंप्लेन करते थे। वो क्या कंप्लेन करते थे कि 2 ही आंखें दी है सीता माता का दर्शन करने, इतनी इनफाइनाइट ब्यूटी है। इस प्रकार से उनकी सुंदरता के विषय में बताया गया। एनीवेज, वी आर नॉट ऑन दैट लेवल कि हम बहुत डिटेल में चर्चा कर पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान राम उनके द्वारा आकर्षित थे, थोड़ा बहुत वर्णन हम कर ही सकते हैं, जितना कि शास्त्रों के अंदर वर्णन दिया है। तो भगवान राम ने देखा सीता माता अपनी अपने पैलेस की छत पर हैं, और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, और दोनों के बीच में दिव्य भावों का आदान प्रदान एक तरीके से होने लगा। और कुछ समय बाद भगवान राम उस स्थान से चले गए और माता सीता भी अब उस स्थान अपनी छत से नीचे आ गई। लेकिन देखा जाए तो भगवान राम हमेशा सीता माता के विषय में सीता के विषय में चिंतन करते रहे और सीता राम के विषय में चिंतन करते रहे। ऐसा लगा कि भगवान राम का मन सीता के पास रह गया और सीता का मन राम के पास रह गया। भगवान राम रात में विश्राम करते हुए इसी बात का चिंतन कर रहे हैं, इसी बात के विषय में, उसी दृश्य को बार बार वह सोच रहे हैं, कि इतनी सुंदर स्त्री का या
स्त्री का दर्शन उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। तो इस प्रकार से चिंतन करते करते पूरी रात बिता देते हैं। इधर भगवान राम चिंतन कर रहे हैं, उधर सीता माता चिंतन कर रही हैं कि वह कौन कौन आकर्षित राजकुमार था, जिसका बहुत सुंदर शरीर था, बहुत सुडैल शरीर था, है ना, जिसके शरीर की बनावट बहुत आकर्षक आकर्षित करने वाली थी, चौड़े कंधे थे, है ना, और जिसके गुलाबी हाथ थे और जिसकी आंखें बहुत गहरी थी। तो सीता माता इस प्रकार से चिंतन कर रही हैं, तो वो उनके विषय में चिंतन कर रही हैं, भगवान राम सीता के विषय में चिंतन कर रहे हैं। अगले दिन सुबह उठकर तीनों विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण राजा जनक के पैलेस की तरफ जाते हैं। तो राजा जनक का पैलेस भी बहुत सुंदर, बहुत विशाल, बहुत भव्य बताया जाता है। वो ऐसा बताया जाता है, वो पैलेस का डोम इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे सुबह का जब चंद्रमा डूब रहा होता है तो वो चंद्रमा से टच कर रहा हो, इतना ऊंचा, ऐसा भव्य पैलेस। अभी भी अगर आप जनकपुर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सुंदर महल बना हुआ है, जनकपुर जहाँ पर सीता माता का स्थान है, बिहार और नेपाल के आसपास पड़ता है, बहुत वहाँ पे अच्छा बना हुआ है। इतना विशाल तो नहीं है जितना विशाल डिस्क्रिप्शन दिया है, बट एनीवेज इट इज देयर। राजा जनक के महल में पहुंचने के पश्चात राजा जनक के द्वारा उनका अच्छे से स्वागत किया गया। वहां पर पहुंचकर विश्वामित्र मुनि ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो उस भव्य शिव धनुष का दर्शन करना चाहते हैं, जिसके बारे में बताकर भगवान राम को अट्रैक्ट करके यहाँ पर लाया गया। भगवान राम की भी इच्छा थी उस धनुष का दर्शन करने के लिए। जनक महाराज कहते हैं कि उनका दर्शन करने से पहले, उसको देखने से पहले उसके विषय में, उसका उसकी ग्लोरीज के विषय में आपको बताना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, किसी वस्तु का अगर हम दर्शन करें और उसके महत्व के विषय में हमको नहीं पता है तो हम कह लोगे साधारण सी है, और लेकिन अगर उसकी इम्पोर्टेंस के विषय में पता चले, इससे क्या क्या, इसके क्या ग्लोरीज हैं, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो हमारा रिस्पेक्ट स्वतः ही उसके विषय में बढ़ जाता है। तो इसलिए राजा जनक ने सोचा कि पहले मैं उसके गुणगान के विषय में बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा, नहीं तो हमसे गलती हो सकती है। जिसको पहचान ना हो, कोयल और कौआ कि दोनों के गुणों के अंदर क्या अंतर है, जिसको अगर पहचान ना हो तो वो कौए को कोयल समझ सकता है और कोए को कौआ, या कोयल को कौआ समझ सकता है। दोनों दिखने में बहुत सुंदर, बहुत एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन जब कोयल बोलेगी तो बहुत मीठी सुरीली आवाज़ होगी, कानों को बहुत प्रिय लगेगी, और जब जब कौआ बोलेगा तो वहाँ से भागने का मन करेगा, पता दो। और जब किसी को जानकारी होगी तो फिर वो एसेस कर सकता है, तो ये बहुत आवश्यक है, और फिर वो अप्रिशिएट भी कर पाएगा। सही रूप से अप्रिशिएट करने के लिए उनके गुणगान के विषय में पता होना चाहिए, ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। राजा जनक बताते हैं, ये शिव धनुष उन दो महान धनुषों में से एक है जो कि विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए थे। विश्वकर्मा ने अपनी सारी क्रिएटिव पोटेंसी का इस्तेमाल करके ऐसे दो धनुष बनाए जिनके अंदर असीमित शक्ति थी और जिनको कभी भी कोई हरा नहीं सकता था। तो उन्होंने एक धनुष भगवान विष्णु को दिया और दूसरा धनुष भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने इसका इस्तेमाल किया, इस धनुष का इस्तेमाल किया था त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, और बाद में यही धनुष का इस्तेमाल करके भगवान शिव ने दक्ष को मारने का मारने की धमकी दी थी, जब सती ने अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया था, लेकिन देवी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव जो कि आशुतोष कहलाए जाते हैं, जल्दी गुस्सा भी होते हैं तो जल्दी शांत भी हो जाते हैं, तो माफ़ी मांगने से तुरंत शांत हो गए। तो यह धनुष देवी देवताओं के द्वारा
भगवान शिव से उस वक्त मांग लिया गया, तो भगवान शिव ने उनको दे दिया देवताओं को। देवताओं से यह धनुष बाद में देवव्रत के पास आया। देवव्रत जो कि निमि महाराज के छठे वंशज थे, और निमि महाराज कौन है? निमि महाराज इस जनक डायनेस्टी के फाउंडर आचार्य हैं या फाउंडर हैं, है ना? आचार्य कहना तो उतना उचित नहीं है, लेकिन फाउंडर है ये जनक डायनेस्टी। तो जनक ये पदवी है, पोजीशन है, ये नाम नहीं है। जनक की सब पोस्ट है। और विष्णु ने, भगवान विष्णु ने अपना ये अपना धनुष दिया था ऋचिका ऋषि को, कौशिकी के पति पति। और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था जमदाग्नि, उन्होंने जमदाग्नि को दिया। जमदाग्नि के पुत्र थे, उनका नाम था परशुराम। तो यानी एक शिव धनुष यहाँ रखा हुआ है, दूसरा धनुष विष्णु धनुष परशुराम जी के पास है, जो विष्णु के अवतार हैं। तो ये बताया जाता है ये दोनों धनुष की क्या विशेषता है, या तो भगवान विष्णु या उनका कोई भक्त या उनका कोई इनकारनेशन ही इसको उठा सकता है। तो इसलिए ये टेस्ट जो रखा गया था बहुत सीवियर टेस्ट था। अब राजा दशरथ, सॉरी, राजा जनक, सीता स्वयंवर और इस धनुष के बीच में क्या कनेक्शन है उसके विषय में बताते हैं कि उनको प्राप्त हो गया, पूर्वजों से उनको प्राप्त हो गया यहाँ पर उनको, है ना? और बताते हैं कि यह धनुष बहुत भारी है, ये किसी के द्वारा उठाया नहीं जा सकता। इसको उठाने के लिए कम से कम 5,000 सैनिक लगते हैं, जो कि 5,000 सैनिक क्या करते हैं, जिस रेड़ी के ऊपर रखा हुआ है, ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है, उसको धक्का देते हैं, और उस ट्रॉली को खींचने वाले 500 बहुत शक्तिशाली बैल जुटे हुए हैं जिसके आगे। तो 500 बैल खींच रहे हैं और 5,000 सैनिक उसको धक्का दे रहे हैं। और जब उसको खींच के राजा जनक के दरबार में लाया गया, उन तीनों के सामने प्रस्तुत किया गया, तो ऐसा ऐसा बताया गया है, ऐसा कि जिस धरती पर वो वहां पर रखा हुआ था, जो साथ वाले रूम में रखा हुआ था, उसको लगा हाँ थोड़ा सा रिलीफ मिल गया मेरे को ना, इतने सालों से बोझ मेरे ऊपर रखा हुआ था। और वो जो सैनिक खींच खींच कर लेकर आए, बड़ी मुश्किल से लाते, उनकी कमर दोरी हो गई, वो समझते ना, पूरी कर्व हो गई, पूरी बेंट हो गई, इतना उनको मेहनत करना पड़ा। जब उसको दरबार में लेके आया गया तो लोग तरह तरह की स्पेकुलेशन करते हैं, कुछ कुछ कहते हैं हो ना हो ये माउंट मेरू ही है, दूसरे कहते हैं नहीं, ये माउंट मंदर है, मंदर पर्वत जो समुद्र मंथन के दौरान चर्निंग रॉड के रूप में जिसका इस्तेमाल हुआ था वो, और कुछ बोलते हैं नहीं, ये तो इंद्रधनुष है जो आकाश से धरती पर गिर गया है। तो इस प्रकार से बातें करते हैं। और जब ये सब दृश्य का दर्शन करने के बाद उठाया नहीं जा रहा, तो सब लोग वहां पर, लोग कुछ कुछ बातें भी बनाते हैं कि महाराज जनक ने ऐसा क्यों कंपटीशन रखा, जो इसको उठाएगा वही सीता का स्वयंवर जीत पाएगा, वही सीता का पति बनेगा। बोले शायद इनकी समझदारी इतनी नहीं थी, इनको पूरा ज्ञान नहीं था, ऐसा मैच इनको कहाँ से मिलेगा। तो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कुछ राजा महाराजा आए, प्रयास किया, वो हार गए, तो उन्होंने बोला कि शायद हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, ऐसा इम्पॉसिबल टास्क इन्होंने यहाँ पर रखा है, हमारे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया है, ये धनुष किसके उठ नहीं सकता, इसलिए तो बुरा मानकर चले गए। कुछ लोगों ने बोला हम आज के बाद मिथिला में कभी नहीं आएंगे, यहाँ पर हमारी बहुत बेइज्जती होती है। और कुछ ने इतना अपमान महसूस किया, उन्होंने मिथिला पर आक्रमण कर दिया, इधर से भी आक्रमण, उधर से भी आक्रमण, राजा जनक बेचारे अकेले कैसे जीत पाएंगे। तो उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, देवता उनकी मदद करने के लिए आए और उनको किसी प्रकार से रिलीफ प्राप्त हुआ। फिर भी अब राजा जनक वो बात बताने वाले हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताई, हालांकि उनको बहुत क्रिटिसिज्म लोगों के द्वारा
सहन करना पड़ा। लोग बहुत बातें बनाते थे, आपस में फुसफुसाते थे। ये कैसी अजीब सी स्वयंवर की शर्त रखी है इन्होंने, ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कोई इसको उठा पाए। तो फिर बताते हैं वो कि आज तक उन्होंने जिसको जो बात किसी को नहीं बताई उन्होंने, अब वो बात विश्वामित्र मुनि के सामने, भगवान राम के सामने प्रकट करते हुए बताते हैं कि, और इस बात को बताते बताते थोड़ा सा वो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पुत्री से विवाह के से संबंधित थी। और अभी तक जो भी आया था इस प्रयास को करने के लिए, वह हारी, उसकी हारी हुई थी, क्योंकि कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया था। तो बताते हैं कि जब सीता एक छोटी बालिका थी, तो इसमें दो आते हैं क्या, दो दो डिस्क्रिप्शन आती हैं, दोनों ही सही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सीता के द्वारा उठाया गया था, तो उसमें ऐसा कोई फिलोसफिकल डेविएशन नहीं है, तो इसलिए हम दोनों की चर्चा कर सकते हैं। कि एक बार सीता अपनी बालिका सीता अपनी सखियों के साथ फूल से बनी हुई गेंद से खेल रही थी, तो गेंद का स्वभाव है फेंकते हैं तो इधर से उधर चली जाती है, तो एक बार वो उस कक्ष में चली गई जहाँ पर ये शिव धनुष रखा हुआ था। बालिका सीता उस धनुष को ढूंढने के लिए गई, पूरा प्रयास करने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद वह बॉल उनको कहाँ दिखी, वह बॉल इस धनुष के नीचे रखी हुई थी। तो बालिका सीता ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाया, अपने सीधे हाथ से बॉल निकाली और फिर धनुष दोबारा रख दिया, जैसे पेपर को रख देता है, कोई कागज को रख देता है। और वहां पर जो इनकी सखियां थी उन्होंने यह दृश्य देखा तो सब हक्के बक्के रह गए, सब एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए, और ये अद्भुत कार्य का वर्णन करने के लिए वो राजा जनक की तरफ भागे। और तब से जनक राजा जनक ने एक घोषणा कर दी, ये अनाउंसमेंट कर दी कि सीता का विवाह उसी के साथ होगा, अगर वो इतना एफर्टलेसली इतनी आसानी से इस धनुष को नहीं भी उठा सकता, तब भी सीता का विवाह करने के लिए उस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति तो होनी चाहिए वो एटलीस्ट धनुष को उठा पाए, है ना, उठा पाए और उसको उसके ऊपर पतंचा चढ़ा पाए, इतनी तो शक्ति होनी चाहिए, अगर उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर पाए, इतनी शक्ति तो होनी चाहिए। सीता ने तो कागज की तरह उसको उठा दिया, लेकिन उन्होंने यह जो शर्त एक तरीके से रखी थी अभी तक, क्योंकि बड़े से बड़े गंधर्व को, बड़े से बड़े यक्ष को, बड़े से बड़े राजकुमार को, देवताओं को इसमें हार मिली थी, तो उनका हृदय कई बार इस बात से लेकर बहुत पीड़ा में आ जाता था कि क्या मैंने यह सही शर्त रखी है, क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जो वाकई इस शर्त को पूर्ण कर पाएगा, क्या है किसी के अंदर इतनी शक्ति, तो ऐसा विचार करते रहते थे। तो ये बात बताते हुए थोड़े से भावुक हो रहे हैं, उनकी आंखों के अंदर आंसू आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था अगर मेरी शर्त पूरी ना हुई तो मेरी पुत्री का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। एक डर था उनके हृदय के अंदर, एक पीड़ा का एहसास था। और दूसरी इसी से संबंधित बताए जाते हैं, थोड़ा सा मिलते होती है कि एक बार सीता बालिका सीता गार्डन में पुष्प तोड़ रही थी, तो पुष्प पेड़ पर ऊंचे होने के कारण उनका हाथ पहुंच नहीं रहा था, तो उनको किसी लकड़ी की आवश्यकता थी, तो अब लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी आसपास देखा, सामने कक्ष था तो कक्ष में चली गई, वहां से धनुष ले आई और वो धनुष को कर करके वो फूल तोड़ लिए। और जब वहां के चौकीदारों ने और द्वारपालों ने देखा, अरे बाप रे, तो ये जब राजा जनक को स्थिति के विषय में बताया, तो सीता की अद्भुत शक्ति के विषय में, तब राजा जनक ने ऐसा स्वयंवर ऐसी शर्त रखी। लेकिन अब क्योंकि इतना समय होने के पश्चात भी कोई मैच नहीं मिल पाया था सीता के लिए जिसके अंदर इतनी शक्ति हो, तो राजा जनक का धैर्य एक तरीके से टूट रहा था और उनको ऐसा महसूस होता था कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने फांसी का फंदा खुद अपने गले के अंदर डाल लिया है, और जो कि धीरे धीरे कसता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सीता की उम्र बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे राजकुमार राजा गंधर्व हारते चले जा रहे हैं और असफल होते चले जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कहीं क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या है कोई ऐसा व्यक्ति,
ऐसा पुरुष जो इस शर्त को पूरा कर पाएगा। तो ऐसा विचार करते करते वह चिंतन तो करते रहते थे, चिंता करते रहते थे, लेकिन साथ ही के साथ प्रार्थना भी करते रहते थे। तो अपने मन ही मन में वो बहुत प्रार्थनाएं भी करते थे और कि ये जो डिसीजन लिया है इसका उनकी इच्छा थी सही वर उनको प्राप्त हो, ठीक है। तो अब ये डिसीजन को के सही होने के लिए और कि मैंने ये जो निर्णय लिया है, हर पिता यही चाहता है कि पुत्री का विवाह जो उसके साथ वर हो वो मैचिंग हो, है ना, कम से कम इतना तो होने। प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि विवाह के लिए तीन क्वालिटीज का होना जरूरी है, एज, करेक्टर एंड क्वालिटीज। ये तीन करेक्टर आपस में मैच करने चाहिए किसी का विवाह अगर करने के लिए, श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एज, करेक्टर और क्वालिटीज, ठीक है। चरित्र अलग अलग है, गुण अलग अलग हैं, है ना, और उम्र बहुत अलग अलग है, तो वो संबंध में मुश्किलें आ सकती हैं। और यह बात बताते बताते राजा जनक भगवान राम की ओर देख रहे हैं, भगवान राम की में उनको एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बालक में क्षमता है, इसके अंदर शक्ति है कि यह इस धनुष को तोड़ सकता है, सॉरी तोड़ नहीं सकता, उठा सकता है, उनकी तो इच्छा उठाने की थी, टूट तो अपने आप गया। और फिर ऐसा विचार करते करते जनक महाराज विश्वामित्र मुनि को सलाह देते हैं और या उनसे बातचीत करते हैं कि आपका क्या विचार है, क्या राम इसको उठा पाएंगे और इसको इसको ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनका विवाह सीता के साथ होगा, सीता स्वयंवर में वो विजयी घोषित किए जाएंगे और मिथिला की राजकुमारी सीता से उनको विवाह करने का अस्तुभ अवसर प्राप्त होगा। तो ये उनके बीच में बात वार्तालाप चल रही है और इधर भगवान राम सीता के विषय में सोच रहे हैं और या फिर उस बालिका के विषय में सोच रहे हैं जिसका दर्शन उन्होंने महल में किया था मिथिला की सड़कों से। तो उनके मन में कंफ्यूजन है कि क्या वो सीता थी, क्या वही लड़की सीता है, वो लड़की सीता नहीं है, तो ये एक कंफ्यूजन उनके मन में चल रहा है। हालांकि वो जानना चाहते हैं, थोड़ा उनको ऐसा विश्वास है कि हो ना हो वो बालिका सीता ही है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि करने के लिए उनके पास ऐसा कोई कारण वहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास अगर देखा जाए तो भगवान विश्वास कर रहे हैं, हमको ऐसा वो नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं कि हमको अपने मन की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि भगवान ने भी विश्वास कर लिया था तो हम भी विश्वास कर सकते हैं। हमारे लिए तो हमेशा उसको क्रॉस चेक करना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा, भगवान के द्वारा ऐसा विचार करना और ऐसा विश्वास करना अलग चीज है। हमारे द्वारा अपने मन को विचार करना बिना किसी शास्त्रिक प्रमाण के या बिना किसी साधु के द्वारा उसकी पुष्टि किए बिना या गुरु के स्वाद के बिना उसकी पुष्टि किए बिना हमारा किसी भी मानसिक विचार के ऊपर विश्वास करना उतना उचित नहीं है। तो भगवान जो विचार कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, वो लेवल अलग है, वो प्लेटफॉर्म अलग है, तो उसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ऐसा विश्वास कर रहे हैं हो ना हो, और फिर अब उनके सामने एक प्रपोजल रखा जाता है, तो इस प्रपोजल के विषय में भी भगवान विचार कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सोच रहे हैं। एक प्रपोजल से ज़्यादा इसको चैलेंज कहना है कि उनके सामने जो चुनौती है तो उसके विषय में विचार कर रहे हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट लेसन हमको देखने को मिलता है, कल परसों इसी से संबंधित एक प्रश्न आ रहा था, आई होप शायद उसी प्रश्न का उत्तर करने के लिए ये एपिसोड यहाँ पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान राम कुछ
कुछ भी करने से पहले सबसे पहले विश्वामित्र मुनि की तरफ देखते हैं और उनसे आज्ञा लेने लेते हैं। ठीक है, आज्ञा अभी पहले स्टेप पे आज्ञा ले रहे हैं, पहले स्टेप पे आज्ञा ले रहे हैं कि मैं इस धनुष का जाकर पास से निरीक्षण करना चाहता हूँ। फर्स्ट आज्ञा लिया है कि उसका निरीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो विश्वामित्र मुनि अपनी सहमति देते हैं, दूर से हो रहा है ये, अपनी सहमति देते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद देते हैं और फिर अपनी आज्ञा देते हैं। अब भगवान राम उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी आज्ञा और सहमति पाकर धनुष की तरफ चले जाते हैं। नहीं, सेकंड स्टेप, विश्वामित्र मुनि की तरफ जाते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं और उनसे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए या चुनौती को जीतने के लिए उनसे शक्ति की प्रार्थना करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस चुनौती में विजय हासिल कर पाऊँ। तो दो बार उन्होंने परमिशन ले लिया, पहले दूर से लिया, फिर चरण स्पर्श करके लिया। अगर दूर से ही मना करते तो बोलते जाने की जरूरत नहीं है, गुरु के मन का भाव ही नहीं है, गुरु की इच्छा नहीं है, तो उनके पास जाकर चरण स्पर्श करना, जबरदस्ती उनको फोर्स करना, नहीं मेरे को मेरी इच्छा है, जाने दो मैं करना चाहता हूँ। जब दूर मना कर दिया है कि गुरु इंटरेस्टेड नहीं है ये सेवा मुझसे कराने के लिए, तो फिर नहीं मेरा विचार है मेरे को सीता से विवाह करना है। नहीं, पहले स्वीकार एक्सेप्ट किया, जब गुरु ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गुरु की इच्छा भी है, जब अपनी सहमति जाहिर की तब उनके पास शक्ति के लिए प्रार्थना की। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान राम धनुष की तरफ बढ़ते हैं। अब जब वो धनुष की तरफ बढ़ते हैं तो सारी की सारे सभा में एक सन्नाटा है। क्यों सन्नाटा है? कि किसी को भी इतना विश्वास नहीं हो रहा कि यह बालक, 12 वर्ष का एक छोटा सा बालक इस चुनौती में विजय हासिल कर पाएगा, जिसमें बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े देवता भी विजय हासिल नहीं कर पाए। तो सबको एक डाउट है इसलिए, लेकिन सब अब कुछ एक तरह से पूरा सन्नाटा आ गया, पिन ड्रॉप साइलेंस किसी ने, लेकिन भगवान राम पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा बताया गया है कि जब वो चल रहे हैं तो उनकी चाल में एक विशेष लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी चाल में सिम गति दिखाई दे रही है। सिम गति मतलब जिसमें सिम की शक्ति है, उसमें व्याघ्र की गति है, यानी व्याघ्र यानी चीते की फूर्ति फूर्ति है जिसके अंदर, ऋषभ गति, ऋषभ यानी बैल के समान शक्ति, फिर गज गति जो कि एक राजसी ठाट बाट होता है हाथी की चाल में। तो राजा महाराजाओं का जो राजसी ठाट बाट है, वहां पे मायापुर में जाते हैं तो राधा माधव की सवारी निकाली जाती है, एलिफेंट प्रोसेशन, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लोग देखने आते हैं। अच्छा, एलिफेंट, तो ये राजसी ठाट बाट, और इसके साथ साथ उसमें सर्प की गति भी है, सर्प जैसे बहुत फुर्तीला या उसकी बहुत शार्प गति होती है। तो यह सब भगवान की चाल के अंदर है और पूरे विश्वास के साथ भरी हुई है। और तो यह सब उनके अंदर, भगवान के चाल के अंदर ये सब के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और जब ऐसा लोग देखते हैं तो लोग भी कन्विंस होते हैं कि हो ना हो ये जरूर विजय हासिल करेगा। अब वो समय आ गया है जब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाएगा। धनुष के पास पहुंचकर भगवान राम इस धनुष को दोबारा देखते हैं। ठीक है, और फिर जो ग्लोरिफिकेशन उन्होंने सुना था सिद्ध आश्रम में ऋषि मुनियों के द्वारा, अभी जनक मुनि के द्वारा, उसको याद करते हैं, फिर भगवान शिव से उसके कनेक्शन को याद करते हैं, फिर उसको 3 बार उसकी परिक्रमा करते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं और अपना सर झुकाते हैं प्रणाम मुद्रा में आदर के सहित, यानी कि एक ये चुनौती भी है लेकिन जिससे संबंधित है उनको रिस्पेक्ट देना, ये भी एक अच्छा एटिकेट है। ठीक है, जो कार्य वो करने वाले हैं। और इसके बाद दोबारा विश्वामित्र मुनि की तरफ देखते हैं उनसे परमिशन लेने के लिए।
ठीक है, अब क्या परमिशन ले रहे हैं? दो बार परमिशन लेकर आए हैं, अब भी क्या आवश्यकता है? बार बार परमिशन ले रहे हैं। अब परमिशन ले रहे हैं उसको स्पर्श करने की, अभी तक परमिशन लेकर आए थे उसको एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए, अब परमिशन ले रहे हैं उसको स्पर्श करने के लिए। फिर उसको पकड़ जो है अपने, जब अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं तैयार हो जाते हैं और फिर धनुष को अपने उल्टे हाथ से पकड़ लेते हैं और अपने उल्टे हाथ को पकड़ते हैं, फिर दोबारा विश्वामित्र मुनि की तरफ देखते हैं और अब उनसे परमिशन लेते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो स्पर्श कर लिया है हाथ में, अगर आपकी आज्ञा तो इसको उठा देता हूँ। तो वो इशारा करते हैं तो उसको उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं अपने सीधे हाथ से और उसको बांधते हैं और बांधते हैं, बीच में इतनी देर में वो बीच से टूट जाता है। और ये सब इतना होता है जैसे बोलते हैं ना लाइटनिंग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग वॉट एवर, है ना, कि जैसे लाइटनिंग फ्लैश, यस लाइटनिंग फ्लैश, रोशनी चमकती है, तो जितनी देर में इतनी तेज गति से वो कार्य होता है किसी को समझ में नहीं आता। पलक झपकने का भी समय किसी को नहीं मिला कि भगवान राम ने कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई, कब टूट गया। उनको तो जो बस सुनाई दिया, एक भयंकर आवाज सुनाई दी, इतनी भयंकर आवाज जो कि कानों को फाड़ देने वाली थी, चार लोगों को छोड़कर दरबार में सब लोग बेहोश हो गए, राम लक्ष्मण जनक और विश्वामित्र, ये चार लोगों को छोड़कर सब बेहोश हो गए। इतनी इतनी गर्जना, इतना बड़ा भीषण आवाज हुई, धमाका, एटम बम फूट गया हो शायद, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितनी बार भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि से परमिशन लिया है? चार बार परमिशन लिया है। तो ये बार बार परमिशन लेना मतलब व्हाट इज दिस? देखिए, भक्ति हमको ये जानना चाहिए, हमारी भक्ति आशीर्वाद के ऊपर टिकी हुई है ना, और कॉन्टिन्यूस सीकिंग परमिशंस एंड ब्लेसिंग्स रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूस ब्लेसिंग्स। तो जितना ज्यादा हम इसको मांगेंगे, जितना इसके लिए प्रार्थना करेंगे, उतना ही कृपा आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। और जनरली हम इसको क्यों नहीं मांग पाते, क्योंकि हमको कौन व्यक्ति मांगेगा जिसको लगेगा मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूँ अपनी सफलता के लिए, मेरी शक्ति के स्रोत भी भगवान है, मेरे ज्ञान के स्रोत भी भगवान है, अगर वो चाहें तो मुझको सफल बना सकते हैं, अगर वो चाहें तो मेरी हार होगी, मुझको भुला भी सकते हैं। होता है ना ऐसे, कई बार होता है ना एग्जाम के अंदर जाते हैं, याद करके गए थे और ऐन मौके पर याद नहीं आता, हो सकता है ना, भगवान भुला भी सकते हैं, भुलाने की शक्ति भी भगवान के पास है। तो भगवान राम अपने अपने माध्यम से, अपने आचरण से, अपने एग्जाम्पल से हमको दिखा रहे हैं कि इसकी कितनी आवश्यकता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए हम पूर्ण रूप से आशीर्वाद के ऊपर निर्भर हैं, और इसीलिए हमको बार बार आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, और अपने आप को कभी इतना शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए, अपने आप को करता नहीं समझना चाहिए कि हाँ हम कोई भी कार्य को अपने बलबूते पर कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकते हैं। तो यह सोचना, यस आई एम सेल्फ मेड मैन, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, वी आर फुली डिपेंडेंट, हम भगवान की कृपा पर, मर्सी पर निर्भर हैं। तो भगवान राम ने धनुष को बहुत आसानी से उठा लिया, जिस प्रकार से एक हाथी कहते हैं गन्ने को या किसी फूल को उठा लेता है, गन्ना भी भारी हो जाएगा, ये जैसे कमल पुष्प को वो नदी में से निकाल लेता है, उस प्रकार से इतनी आसानी से और सब इतना किसी को भी पलक झपकने का मौका भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब ऐसा साउंड हुआ सब लोग बेहोश हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग बेहोश हो गए, भगवान वहाँ पर खड़े हुए थे, किस प्रकार से
जिस प्रकार से बहुत मासूमियत के साथ की, जैसे उन्होंने कोई बहुत महान कार्य नहीं किया। यानी जो महान कार्य कर भी देता है उसको अहंकार नहीं होता, उसको गर्व नहीं होता। क्यों गर्व नहीं होता? उसको वो जानता है कि मैं तो कृपा के कारण मेरी मेरी सफलता हुई है, मेरे अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं। तो भगवान राम अपने एग्जाम्पल से हमको दिखा रहे हैं। तो हालांकि सबके कानों के पर्दे चाहे फट गए हो, लेकिन फिर भी राजा जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एट लास्ट, फाइनली, अंत में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई शक्तिशाली पुरुष है जो कि इस धनुष को उठा पाया, जो कि इस धनुष को तोड़ पाया। इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं और बहुत खुशी का उनको एहसास हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने सीता को बुलाने के लिए भेज दिया कि सीता का स्वयंवर पूर्ण हुआ, सीता को विजयी कर लिया गया है श्री राम के द्वारा। अब सीता के साथ, राम के साथ सीता का विवाह होगा। और सीता की सखियां दौड़ती हैं सीता के पैलेस में, जाती हैं सीता को ये बात बताने के लिए। और सीता माता अपने विचारों में मस्त हैं, वो उस राजकुमार का चिंतन कर रही हैं जिनका दर्शन उन्होंने पैलेस की खिड़की से किया था या उसकी छत से किया था। और सखियां आती हैं, कहती हैं, तुमने कुछ सुना? तुमने कुछ सुना? तुमने कुछ सुना? क्या? मैंने क्या सुना? इतनी भारी आवाज हुई, तुमको सुनाई नहीं दी? नहीं, मुझको कोई आवाज सुनाई नहीं दी। कौन सी आवाज की बात कर रहे हो? कैसी आवाज? मैंने कुछ नहीं सुना। तो बताती हैं ऐसा कैसे? तो लेकिन उनका क्योंकि मन पूरी तरह से एब्जॉर्ब था तो वो सुन ही नहीं पाई। और फिर वो उनको पूरा डिस्क्रिप्शन देती हैं, सीता को बताती हैं कि किस प्रकार से अयोध्या के राजकुमार राम के द्वारा शिव के धनुष को तोड़ दिया गया है, अब तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा। तो सीता भी थोड़ी सी कंफ्यूज है कि क्या वो वही राजकुमार हैं कि नहीं। उनकी सखियों के द्वारा सीता का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है, सुंदर रूप से उनको डेकोरेट किया जाता है, बहुत सुंदर वस्त्र परिधान आभूषण उनको पहनाए जाते हैं, बहुत सुंदर पुष्पों की माला पहनाई जाती, सॉरी, उनके हाथ में दी जाती है, और बहुत सुंदर परफ्यूम इत्र इत्यादि उनको लगाए जाते हैं। और फिर उनको लेकर दरबार में, राजा जनक के पैलेस में या दरबार में लेकर आया जाता है। अब सीता माता कंफ्यूज हैं, थोड़ी सी उनको आश्चर्य भी हो रहा है और थोड़ा सा वो डाउटफुल भी हैं, क्या ये वही व्यक्ति हैं, क्या ये वही राजकुमार हैं। तो वो अब वो थोड़ा दर्शन भी करना चाहती हैं, भगवान को देखना चाहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर घूंघट है। अब घूंघट को उठाकर देखें ऐसी रीति रिवाज नहीं है। लेकिन उन्होंने उस राजकुमार के पूरे शरीर का दर्शन किया था, साथ ही के साथ उसके चरणों का भी दर्शन किया था। तो उन्होंने बोला, मेरे को अति उत्साहित होने की, सोचा मुझको अति अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल किया, बोले ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? उनको तो मैं चरणों से भी पहचान सकती हूँ। तो जब उन्होंने भगवान राम के चरणों का दर्शन किया तो उनको लगा हो ना हो, विश्वास होने लगा कि ये वही व्यक्ति हैं। अब भगवान राम और सीता एक तरीके से आमने सामने हैं, वरमाला पहनाई जानी है। और तभी भगवान राम एक ऐसी बात कहते हैं जिससे कि राजा जनक सुनकर मतलब स्तब्ध हो जाते हैं। भगवान राम कहते हैं कि अभी चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो गई थी, धनुष उठाया, उनके सामने मैरिज का प्रपोजल आ गया। भगवान राम कहते हैं, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। राजा जनक ऐसा सुनते हैं, बोलते हैं, ये दिन देख रहा था, इतने कड़े संघर्ष के बाद, इतनी मेहनत के बाद एक व्यक्ति मिला जो धनुष को उठा पाया, और वो कह रहे हैं मैं ये विवाह नहीं कर सकता। सारा बंदोबस्त किया गया ना सुनने के लिए, बहुत परेशानी की अवस्था में आ गए, बहुत परेशान हो गए। लेकिन अभी भगवान राम के सामने सारी चीजें बहुत तेज गति से हो रही थी, एक के बाद एक इवेंट, एक के बाद एक इवेंट। लेकिन जब उनको वाकई उनके सामने देखा, अरे मेरी शादी होने वाली है, मेरा विवाह होने वाला है, तो उन्होंने बोला मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कारण बताया। तो उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, एक पुत्र के बीच में द्वंद्व था और एक विजेता के बीच में द्वंद्व था।
विजेता यानी एक प्रेमी जो कि विजेता बना है उनके बीच में द्वंद्व था। तो ऐसा विचार कर रहे हैं, बोले विश्वामित्र मुनि के साथ आया था, पिता ने आज्ञा दिया था इनकी हर बात का पालन करना, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी कि विवाह कर लेना, अभी मैं उनकी आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पिता की आज्ञा का पालन करना और विवाह उनकी आज्ञा के बिना करना कि मैं सोच भी नहीं सकता। हमको सिखाया गया है कि गुरुजनों का सम्मान करना, वरिष्ठों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी सहमति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है कि मैं इस विवाह बंधन में बंध जाऊं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यही है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं और इसको मैं किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता। राजा जनक इस बात को सुनकर वो स्तब्ध हो गए, बहुत परेशान हो गए। अब उनकी हालत एक तरीके से बहुत बुरी हो गई, लेकिन वो कैसे भी अपनी दयनीय अवस्था या अपनी आंखों को जो कि जिसमें बहुत ही असहायता भरी हुई थी उससे विश्वामित्र मुनि की तरफ देखते हैं। तो विश्वामित्र मुनि उनको आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करो, आप राजा दशरथ के पास ये संदेशा लेकर भेजो कि राम स्वयंवर में विजयी हुए हैं और उनका विवाह सीता से होने वाला है। तो आप ये खुशखबरी उनके पास भेजो और अपने चार ऐसे दूत भेजो जो आपके लिए बहुत विश्वास पात्र हैं और जिनकी भाषा बहुत मधुर है, तो सही से चयन करना। ऐसे मतलब ऐसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत भेज देना जो सामने है उसको भेज दिया, मतलब कि क्वालिफाइड व्यक्ति को भेजना, वो उस सेवा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जो सामने दिखा उसको सेवा में लगा दिया तो हो सकता है कि वो गड़बड़ भी कर दे। तो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट योर मैन इस प्रकार से, और उनको विश्वास दिलाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजा दशरथ इस प्रपोजल से बहुत खुश होंगे और आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। तो इस प्रकार से राजा दशरथ के पास दूत भेज दिए जाते हैं और इधर सब लोग चिंता कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत प्रसन्न है, वह सीता। वो बहुत प्रसन्न है और वो मन ही मन मुस्करा रही है। अपनी बुद्धिमानी के कारण उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति के नेचर या स्वभाव को पहचान रही थी। उन्होंने भगवान राम के ऐसे तीन गुणों को देखा जो कि वो हमेशा चाहती थी कि उस व्यक्ति के अंदर हो जिनसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। पहला गुण कि जिनसे वो विवाह करने की, बहुत वो शक्तिशाली होना चाहिए। शक्तिशाली मतलब कि उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो मेरी रक्षा कर पाए। तो भगवान शिव का धनुष जिसने उठा लिया, जिसके प्रत्यंचा चढ़ाने मात्र से तोड़ दिया, जिसको कोई राजा नहीं उठा पाया, तो इसका मतलब वो शक्तिशाली है। पहला उनका खुशी का कारण। दूसरा कि उनके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए या ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो सही निर्णय ले पाए और सही को सही कह पाए, और उनके वचन बहुत मधुर होने चाहिए। तो हालांकि भगवान राम जनक के सामने ना कह रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था बहुत मधुर थे, उनकी वाणी में बहुत मिठास थी। ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकता, जाओ जो करना है कर लो, ये क्या तरीका है, फंसा दिया मुझको, मैं यहाँ धनुष उठाने आया था, क्या करने आया था, है ना, दिखाया कुछ, बोला कुछ, किया कुछ, ऐसे नहीं होता, धोखा दिया जा रहा है मुझको, है ना। ऐसे कुछ शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जो सही स्थिति थी उसको उन्होंने इस्तेमाल करके उनको बताया। और तीसरा कि उनको अपने ऊपर संयम होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, इंद्रियों पे संयम होना चाहिए, या जो कि टेम्पटेशंस को रजिस्ट कर पाए। बोले इतना बड़ा टेम्पटेशन है, जिस स्त्री से सारी दुनिया के राजकुमार, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व विवाह करना चाहते हैं, जिसका दर्शन करने मात्र को सब लोग ललायत रहते हैं, उससे विवाह करने का प्रस्ताव है, विजयी कर लिया गया है,
और अगर स्वयंवर में राजकुमार के लिए स्वयंवर में राजकुमारी को विजय कर पाना कोई नियमों के अगेंस्ट भी नहीं है, नेचुरल है, क्षत्रियों के लिए नेचुरल है। स्वयंवर की हो रहा था, पार्टिसिपेट किया, जीत गए, कोई नेचुरल है, ऐसा थोड़ी ना पहली बार किया था उन्होंने। लेकिन संयम कंट्रोल किया और अपने पिता की आज्ञा को महत्वपूर्ण दिया, यानी टेम्पटेशंस को कंट्रोल कर पाए, तो यह उनका तीसरा गुण। बोले ऐसे ही व्यक्ति के साथ मैं विवाह करना चाहती थी जो कि शक्तिशाली हो, है ना, जिसके जिसके अंदर बुद्धिमत्ता हो, सही शब्दों का इस्तेमाल करता हो और जो आत्म संयम हो। यह तीनों गुण ही उनको भगवान राम के चरित्र में दिखाई दिए, तो वो उनको बहुत खुश खुश हो रही थी। और फिर इसके साथ साथ उनका सुंदर रूप जिनसे वो आकर्षित थी, तो सब मैच कर रहा था, तो उनको काफी प्रसन्नता थी। सॉरी, और कि वो एक्सटर्नल्स तो देखे उन्होंने दूर से, लेकिन उनके इंटरनल चरित्र का भी पता चला और सारे के सारे गुण उनके अंदर हैं, तो और क्या चाहिए। जिस प्रकार से सोने पे सुहागा, सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। तो यहां पर कुछ लेसन्स हम ड्राइव कर सकते हैं, कुछ लेसन्स विशेष रूप से जो कि हम एक सही संबंधों को स्थापित करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, और विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या फिर डिवोटीज के बीच में आपस में रिलेशनशिप में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अगर भगवान राम का जीवन देखा जाए, विश्वामित्र मुनि के अंदर रहकर, के अंतर्गत रहकर, उनके अधीन रहकर अभी तक वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, यानी एक विद्यार्थी का जीवन बिता रहे थे। तो विद्यार्थी का जीवन अपने विद्या के ऊपर केंद्रित रहता है और अपने खुद के विकास के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होता है, वो ज़्यादा दूसरों की चिंता नहीं करता, दूसरों से नहीं बोलता यार तू पढ़ ले पास हो जाएगा, तेरे को पढ़ा देता हूँ पास हो जाएगा, पढ़ा दूँ तुझको, इस प्रकार से वो अपनी चिंता करता है, अपना प्रिपेयर करता है, अपने श्लोक याद करता है, अपना टेस्ट देता है, अपना पेपर करके आता है, खुद पास होता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट गलत नहीं है, वो उस जीवन काल का वो समय ही ऐसा है कि उसको अपने खुद के विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है, ठीक है, और उस समय उसका उसका केंद्र बिंदु स्वयं का विकास होता है। लेकिन देखा जाए ये थोड़ा सा सेल्फिश है, गलत नहीं है उतना, लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश है। लेकिन अभी भगवान राम देखा जाए तो उनका जीवन में परिवर्तन आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है, एक नए संबंध की शुरुआत होने वाली है। जब नया संबंध शुरुआत होता है किसी के साथ, उसका मतलब उसकी आवश्यकताओं के विषय में चिंतन करना, उसकी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना, यह केंद्र बन जाता है, तभी वह संबंध अच्छे से चल पाएगा। नहीं तो संबंध क्या, तू अपनी ज़रूरतें पूरी कर, मैं अपनी खुद की पूरी करता हूँ, तो फिर क्या, वही है। लेकिन संबंध जब बनता है आपस में, तो एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कार्य करना होता है, ना कि कंपटीशन का कार्य करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं ना, जो उसके अंदर कमियां मैं पूरी करूंगा, जो मेरे अंदर कमियां वो पूरी करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो कमी मतलब जो उसके अंदर कमी है तो जो कमी है वो उसको पूरा करना। तो यह कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को, यह कंपेनियनशिप या रिलेशनशिप का आधार है। स्टूडेंट लाइफ में कंपटीशन होता है और जिसमें फोकस क्या रहता है, विजयी बनना। लेकिन जब संबंधों की बात आती है तो संबंधों में कंपटीशन नहीं होता, कॉपरेशन होता है। तो इसमें जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपस में एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना, दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन, ठीक है।
तो रिलेशनशिप के लिए ये कॉपरेशन बहुत आवश्यक है ना। तो जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, विद्यार्थी जीवन की बात करते हैं, उसमें उसमें हम ये भी कह सकते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या गाइडेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल में कराए जाते हैं, तो कुछ बुरे नहीं है, इतने गलत नहीं है, लेकिन उससे क्या है कभी, और उसका पर्पस क्या होता है उस कंपटीशन में, जो जीतेगा हो सकता है नया रिकॉर्ड बनाएगा, तो रिकॉर्ड तोड़ेगा, कोई नए रिकॉर्ड बनेंगे, कुछ पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, इस प्रकार से एक गाइडेड कंपटीशन विद्यार्थी जीवन में होता है। लेकिन जब संबंधों की बात आती है तो संबंधों में एक हैप्पी कॉपरेशन होना चाहिए रेदर देन कॉम्पिटिशन्स। अगर ऐसा कॉपरेशन नहीं होगा है ना, तो रिकॉर्ड का तो पता नहीं, लेकिन दिल जरूर टूट जाएंगे, संबंध जरूर टूट जाएंगे, मन जरूर खट्टा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कॉपरेट करना और कॉम्प्लीमेंट करना ये आवश्यक है संबंधों के लिए, ठीक है। और दो और प्रिंसिपल इसके विषय में बताए जाते हैं जो कि एक संबंध को विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है, कि व्हाट यू कॉल जेन्युइन जेन्युइन लव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जेन्युइन लव, हाउ डू यू से, आई डोंट नो, ठीक है। तो भगवान राम का प्रेम, अगर भगवान राम के एग्जाम्पल को लिया जाए, उनका एक तरह से देखा जाए सीता के प्रति आकर्षण या प्रेम था, स्वाभाविक था, है ना, नेचुरल था, लेकिन यह उन्होंने बीच में कारण नहीं बनने दिया, बाधा नहीं बनने दिया कि उनका अपने पिता दशरथ से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाए, उन्होंने उसको बाधा नहीं बनने दिया, ठीक है, उसका भी उन्होंने ध्यान रखा। तो यही एक सच्चे मतलब या एक ऐसे व्यक्ति की निशानी होती है जो कि जिसका स्वभाव अकोमोडेटिव होता है। तो अगर एक का ध्यान रखता है तो दूसरे के साथ अपने कम्युनिकेशन या संबंध को विच्छेद नहीं कर लेता, जैसे समय समय पर आवश्यकता है। तो उदाहरण के लिए एक वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है, वृक्ष में समय समय पर कई प्रकार के फल आते हैं, कई वैरायटी का फल नहीं कहना चाहिए, वैरायटी कहने का मतलब ऐसे नहीं कि एक ही पेड़ पे सेब भी आएगा, केला भी आएगा, आम भी आएगा, कभी किसी की ग्रोथ हो रही है, कभी किसी की ग्रोथ हो रही है, कभी कोई अभी कच्ची अवस्था में है, कोई परिपक्व अवस्था में है, किसी में अभी कोई अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, कोई पूरा मैच्योर हो चुका है, तो डिफरेंट लेवल्स है, उनका एज का डिफरेंट लेवल है, मैच्योरिटी का डिफरेंट लेवल है वृक्ष के लिए, लेकिन वो सभी को एक सभी को नरिश करता रहता है, उनकी स्थिति के अनुसार नरिश करता रहता है, जितना उनकी नरिशमेंट की आवश्यकता है वो करता रहता है। तो इसी प्रकार से जो मैच्योर व्यक्ति की यही निशानी है कि वो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उनको समय समय पर उनको नरिशमेंट देता रहता है। तो ये एक ये प्रिंसिपल है जो कि रिलेशनशिप के लिए ध्यान रखना चाहिए। वो बताते हैं जिस प्रकार से विशेष रूप से संबंध आपस में जुड़ते हैं, या विशेष रूप से विवाह होता है, स्त्री और पुरुष का विवाह, स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है, तो यह केवल दो व्यक्तियों का जुड़ने का कारण नहीं है, ये दो परिवारों को जुड़ने का कारण बनता है। तो जिस प्रकार से दो नदियां जब आपस में जुड़ती हैं, है ना, उसको संगम को बहुत पवित्र या शुभ माना जाता है, क्योंकि आप योग हो रहा है उनका, योग मतलब जुड़ना या कनेक्शन होना, ठीक है। इसी प्रकार से जब दो परिवार साथ में आते हैं तो उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो संगम इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके लिए कल्याण इस्तेमाल किया जाता है, कल्याण। तो कल्याण संस्कृत शब्द है विवाह का और ऑस्पिशियसनेस का। तो ये आप सीखने को मिलता है, ठीक है, कि दो परिवार आपस में जुड़ने वाले हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जो सबसे अंत में जो प्रिंसिपल है कि जब हम आपस में संबंधों की बात करते हैं या मित्रता की बात करते हैं, कंपेनियनशिप की बात करते हैं,
तो कंपेनियनशिप किस चीज को या मित्रता किस चीज को खत्म करती है? तो वो एकांतपन को खत्म करती है, अकेलेपन को खत्म करती है, एकांतता उसको खत्म करती है। ठीक है, तो जब लेकिन इसको खत्म करने के लिए किन चीजों को हमको टॉलरेट करके उनको साइड कर देना होगा, जो आपस में थोड़े से मन मुटाव हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स हैं, या कभी कभी हमको दूसरे को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा खरे नहीं उतर पाते, तो हमको कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा, या कभी कभी दोनों के गुणों के अंदर कुछ भेद होता है, तो उनको भी थोड़ा नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस को, थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस को जब हम नज़रअंदाज कर पाएंगे, तो अपने संबंधों को आपस में बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कहीं पर भी किसी भी संबंध को अगर हम विकसित करने की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि इन्हीं नियमों का कि अगर हम मदद लेते हैं तो अपने संबंधों में अच्छी तरह से सुधार ला पाएंगे। नहीं तो अगर देखें इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है ना, और वो इस प्रकार से हमारी बात नहीं मानता या इस प्रकार से हमारी बात नहीं मानता, तो क्या होगा? हमको सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। और भागवतम क्या बताता है? भागवतम बताता है आशा ही परमम दुखम, कि जितनी ज्यादा किसी से आशा रख लेंगे फिर वो हमारे दुख का कारण बनेगी। तो फिर क्या हमें आशा नहीं रखनी चाहिए? नहीं, आशा रख सकते हैं, लेकिन आशा अगर है तो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है कि ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है, तो और जिस व्यक्ति के सामने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बताया जा रहा है उसका कम्युनिकेशन भी पूरा होना चाहिए कि उसका कितना सामर्थ्य है उसको पूर्ण करने का या कितना वो प्रयास करेगा। तो जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर, लेकिन प्रॉमिस लेस कहने का मतलब ये नहीं है कि क्षमता तो है 100% करने के लिए, 10% का प्रॉमिस किया और 20% कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। इतना क्षमता है उतना पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ये इफेक्टिव कमी, तो आशा भी अगर किसी से कोई एक्सपेक्टेशन भी है वो भी किसी से बताना चाहिए कि कम से कम इतना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना पानी पीने के बाद गिलास धोकर रखेंगे, या कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है ना, या अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, या कुछ भी हो सकता है, समय पर प्रसाद पाएंगे इत्यादि, कुछ भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है, तो उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए, आधार बनता है। नहीं तो हमको निराशा ही होगी और क्या होगा, हमको रोज रोज पता लगेगा आज इसने ये गलत किया है, आज उसने वो गलत किया है, तो फिर हम गलतियों पर ही फोकस करते रह जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय, कमी को पूरा करने की बजाय, और फिर उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बावजूद भी जो कमी रह जाती है उसको फिर पूरा करने जाए, हाँ उन्होंने बता दिया था वो नहीं कर पाएंगे तो मुझे कर देना चाहिए, मेरे को बता दिया था नहीं हो पाएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने संबंधों में सुधार ला सकते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इनका हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अब राजा जनक के द्वारा राजा दशरथ के पास दूत भेजे गए हैं, और आगे क्या होता है? राजा दशरथ राजा जनक के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या आग बबूला हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं, अपनी सेना लेकर आते हैं या क्या करते हैं, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? ये एक प्रश्न आया है, लॉर्ड राम वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही लिफ्टेड द फेमस शिव धनुष। यस, वो 12 साल के थे जब उनका विवाह हो गया, और उसके बाद वो 12 साल के सा, बाला 12 साल और विवाह के पश्चात माता सीता के साथ अयोध्या में रहे, तो 24 वर्ष की आयु में उनका वनवास हुआ। आई हर्ड इट परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लॉर्ड राम मैरिड एट द एज ऑफ 12। हाँ, देर आर सो मैनी थिंग्स वी लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम।
एनीवेज दिस इज व्हाट आई हैव रेड इन रामायण सो दैट इज व्हाई आई ट्राइड टू शेयर इट विद यू सो लेट्स वाइंड अप हियर यस प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी थ्योरेटिकली समझ लेना ना यानी ज्ञान ज्ञान को प्राप्त कर लेना दैट इज द फर्स्ट स्टेप तो ज्ञान को विज्ञान में बदलना है क्वेश्चन यह है असहाय अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए जो कल हमने चर्चा किया था तो असहाय अवस्था जैसे फर्स्ट फर्स्ट स्टेज यही है थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त कर लेना यानी ज्ञान को प्राप्त कर लेना अब ज्ञान विज्ञान में कैसे परिवर्तित होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से है ना आप जाते हो ना साउथ कैंपस में प्रैक्टिकल करने के लिए लैब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स करते हो ना रिजल्ट देखते हो तो इसी प्रकार से प्रैक्टिकल करो देखो कि कब मैं निर्भर हूँ भगवान के ऊपर और कब मैं निर्भर हूँ अपनी क्षमता के ऊपर यहाँ तक कि जब करने के लिए भी क्या मैं अपने ऊपर निर्भर हूँ अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर हूँ या भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हूँ जब के लिए भी बताया जाता है दो मोड में जब को किया जा सकता है एक अचीवर मोड और एक रिसीवर मोड तो क्या मैं रिसीवर मोड में हूँ या मैं अचीवर मोड में हूँ आज मैं ध्यानपूर्वक जप करके ही रहूंगा आज मैं 16 माला एक स्थान पे बैठ के करूंगा आज मैं एक एक महामंत्र को सुनूंगा है ना तो ये क्या हो सकता है अचीव मोड या फिर प्रार्थना करते हुए करना है ना ये हे सर्वाकर्षक श्री कृष्ण हे परम भोक्ता राम हे भगवान की शक्ति हरे कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य नामों का उच्चारण पूर्ण शरणागति के साथ पूर्ण एकाग्रता के साथ पूर्ण ध्यान पूर्वक होकर कर सकूं प्रार्थना करते हुए करना बार बार प्रार्थना करते हुए करना तो जितना हम प्रार्थना करते हैं उतना हमारे को अपनी स्थिति का रियलाइज होता है ठीक है सो इट मे नॉट बी अ मैटर ऑफ वन डे हमारी शरणागति धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए देखो हम डिपेंड तो रहते ही हैं तो हम भगवान के ऊपर डिपेंड हैं या अपनी शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड हैं हमने किसकी शरण स्वीकार कर रखी है प्रोटेक्शन के लिए हम अपने कैलिबर अपनी एबिलिटी अपनी स्किल अपने टैलेंट अपने बैंक बैलेंस पर निर्भर करते हैं या हम भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं ये अवस्था विकसित करने के लिए आजकल का माहौल कोरोना माहौल करुणा के लिए बहुत ही कंड्यूसिव है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इससे ज्ञान प्राप्त करके इससे रियलाइजेशन लेके अपनी भक्ति को बढ़ाएगा और जो बुद्धिमान नहीं है वो उसको बढ़ा नहीं पाएगा वो यही सोचेगा लेकिन जो बुद्धिमान है देखेगा सारी दुनिया कुछ नहीं कर पा रही लेकिन भक्तों का जीवन वैसे ही चल रहा है कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया बस इतना है कि उनके पास ज्यादा समय है भक्ति करने के लिए और कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया और जीवन अगर उथल पुथल हो भी जाता है अभी तो देखो भारत किसी तरह से थोड़ा बचा हुआ है ना अगर अमेरिका जैसी स्थिति होती तो क्या बच पाता भारत में वो तो अभी क्या बता रहे हैं कि इतने दिनों में 15 से 20 लाख लोग भारत में हो गए होते हैं अगर उन्होंने पहले ऑलमोस्ट पहले मतलब बहुत बहुत इनिशियल फेज में उन्होंने कर दिया था तो हम तो डिपेंडेंट अल्टीमेटली भगवान के ऊपर ही हैं अभी
अपने डिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, है ना? तो भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना चाहिए और अपनी एबिलिटीज में कम विश्वास रखना चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, और व्हाट एल्स आई कैन से अबाउट दिस। इतना ज्यादा हम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन पे डिपेंड करते हैं या अपनी खुद की एबिलिटीज पे डिपेंड करते हैं, उतना ही हम भगवान पर डिपेंड नहीं हो सकते। और जितना हम भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करने से बहुत मदद मिलेगा हमको, जैसे वो विभूति योग चैप्टर है, इलेवेंथ ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, उसके विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले 10th में भी बताया गया है, थोड़ा सा 7th में भी बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान ने एक एक चीज बता दिया। यू नेम इट एंड आई एम देयर। हर एक चीज इसलिए बताया, आप कुछ भी ले लो, जल है, पर्वत है, पहाड़ है, घोड़ा है, शक्ति है, बल है, बुद्धि है, सब में भगवान का दर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये इसीलिए बताया, वो इसीलिए बताया भगवान ने। आप बोलो, वस्तु का नाम लो, मैं उसके अंदर हूं, तो उसके अंदर देखना चाहिए। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक भी बताते हैं कि अगर कोई शराबी शराब के अंदर ये महसूस कर लेता है कि इसमें जो टेस्ट है, पानी के अंदर नहीं, शराब के अंदर, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियनेस हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने हर लिक्विड का टेस्ट बोला है कि कृष्ण ही है, केवल जल का टेस्ट नहीं बोला, है ना? वो बोलते हैं रसों हम अपसु कौन्तेया। तो यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो लिक्विड है, मीनिंग उसका जल, केवल जल नहीं है उसका मीनिंग। तो ऐसा देखने का प्रयास करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन से हमको हेल्प मिलती है। अगर हम अपनी और ऑब्जर्व करने की प्रवृत्ति बनाएं और चीजों को रिलेट करें कृष्णा कॉन्शियसनेस से, इसको कैसे विकसित करना है, अगर ये सीखना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी का मॉर्निंग वॉक्स सुनने चाहिए। प्रभुपाद जी जिस भी चीज को देखते थे उसको इमिडिएटली कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेट कर देते थे और भक्तों को यही सिखाते थे। हर एक बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स कुछ, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। आप कुछ इस प्रयास कर सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स। सो लेट्स वाइंड अप हियर, वी आर ओवर टाइम, सो वील कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान खे, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद खे, जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।